दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में जावा को कनेक्ट करेंगे अपने MySQL डाटाबेस से और उसे यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है, हम अपने MySQL ड्राइवर को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। मैं क्रोम यूज़ करूँगा। इसमें क्रोम ओपन करा मैंने। अब यहाँ पर सर्च करेंगे डाउनलोड MySQL ड्राइवर। अब इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कनेक्टर जे के, उससे इस पर क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर नीचे आना है। अब इसमें ये जो ये जिप आर्काइव कर गया है ना, इसको डाउनलोड करना है आपको। तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे इसे। यहाँ से नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे ओपन करेंगे। ये डाउनलोड हो गई है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहीं पे एक्सट्रैक्ट ऑल एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसे कंप्लीट होने देंगे हम। देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है ये फाइल साइंस के अंदर। तो हमारा ड्राइवर जो है वो ये है, मेन MySQL कनेक्टर जावा 8.0.27, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने नेटबीन्स पे और कनेक्शन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जावा में। न्यू प्रोजेक्ट, जावा विद एंड जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। कोई भी नाम दे देंगे इसमें। मैं कनेक्शन नाम दे देता हूँ, कनेक्शन सी। इसको फिनिश कर देंगे हम। ये हमारा क्रिएट हो गया जावा की फाइल। अब हम यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जाएंगे सर्विसेज पे। यहाँ पर ये डाटाबेस आ रहा है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे हम, न्यू कनेक्शन, ठीक है। आपको देख लेना, यहाँ पर आपका कनेक्टर जे ड्राइवर ही सेलेक्ट हो इसमें, कनेक्टर जे ड्राइवर। उसके बाद इसको जो हम पहले से होगा इसको हम रिमूव कर देंगे और न्यू ऐड करेंगे इसमें। और हमें ऐड क्या करना है, जो हमने डाउनलोड किया था, तो वो है मेरा डाउनलोड्स में मेरा MySQL कनेक्टर जावा जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। और इसमें ये वाला, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। होस्ट लोकल होस्ट है, पोर्ट 3306 है, डाटाबेस MySQL, यूज़र नेम रूट, यहाँ पर पासवर्ड। अब इसमें यूज़र नेम पासवर्ड वो है जो हमने अपने MySQL को डाउनलोड करते समय उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था। तो मैं यहाँ पर अपना MySQL ओपन कर लेता हूँ, MySQL वर्कबेंच ये वाला, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया। यहाँ पर देखोगे ये मेरा कनेक्शन क्रिएट है। यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूँगा तो अभी तो मेरा यहाँ पर सेव है, लेकिन जब अगर सेव नहीं होता तो ये मुझसे पासवर्ड मांगता जो मैंने इसे डाउनलोड करते समय दिया था। अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल ना हो तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे देते हैं वो भी दे रखा है मैंने, तो वहाँ पर जाके आप देख लेना। तो ये मैं MySQL खुला रहने दूंगा इसको, इसका पासवर्ड मुझे पता है और यूज़र नेम है रूट, तो वही हम उसमें डालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, अपना MySQL वर्कबेंच को ओपन रहने देना, तभी कनेक्शन बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज़र नेम में मेरा रूट था तो रूट डाल दिया मैंने, पासवर्ड जो है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर। अब एक बार टेस्ट कनेक्शन करके देखेंगे। तो देखो ये आ गया कनेक्शन सक्सीडेड, यानी कि उससे कनेक्ट हो गया। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर देंगे इसको। तो
तो ये देखो ये कनेक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अभी इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी डिसकनेक्ट का ऑप्शन है, डिसकनेक्ट करा हमने तो ये देखो ये बीच में से टूट गया, इसका आइकन जो है वो टूटा हुआ सा दिख रहा है, तो मतलब ये डिसकनेक्ट है। और इसी पर राइट क्लिक करके कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये यूज़र नेम और वही पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड डाल देंगे इसमें। तो देखो ये जुड़ गया आइकन इसका, यानी कि ये कनेक्ट हो गया है। अब हम जावा में इसका कनेक्शन करते हैं, तो हम मेन मेथड के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम अपने ड्राइवर को लोड करेंगे यहाँ पर, उसके लिए क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का यूज़ करेंगे, क्लास डॉट फॉर नेम। अब यहाँ पर क्लास नेम डालना है हमें, तो क्लास नेम क्या है हमारा जो ये अपने कनेक्ट करा है, इस पर राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है ड्राइवर क्लास, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो इसको हम ट्राई और कैच के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्राइवर क्लास को लोड कर लिया है, अब हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। इसके लिए कनेक्शन कौन, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर क्लास में। यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं इसका, इंपोर्ट यहाँ पर हम गेट कनेक्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन से मांग रहा है URL, तो उसके लिए हम इसी में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, देन ये देखोगे डाटाबेस URL, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ तक लेना है। ये वाला पार्ट लेना है बस, इसको कॉपी करेंगे, क्लोज क्लोज। यहाँ पर ये जो माय एसक्यूएल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये माय एसक्यूएल की जगह पे आपके डाटाबेस का नाम आना चाहिए, जो भी आपका डाटाबेस का नाम हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एक डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम कुछ भी दे देता हूँ मैं, जैसे गेट कनेक्ट कनेक्ट, ये डाटाबेस का मैंने नाम दिया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि हमारा गेट कनेक्ट नाम का डाटाबेस बन गया है। अब हम इसे यूज़ कर लेते हैं, यूज़ गेट कनेक्ट, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये भी एग्जीक्यूट हो गया, राइट आ गया, यानी कि एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा गेट कनेक्ट ही आएगा, जो डेटाबेस का हमारा नाम होगा जिससे हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर गेट कनेक्ट नाम आ गया। इसके आगे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है अपने, जो डेट जो यहाँ पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा था ना, यूज़र नेम रूट था और पासवर्ड डाल रहा था, वो यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पर भी डालना है ताकि कनेक्ट हो जाए अपने आप ही। तो कॉमा, यूज़र नेम तो हमारा रूट, देन कॉमा
पासवर्ड डालना है यहाँ पर, जो भी आपका पासवर्ड हो वो डाल देना है आपको। अब ये हमारा कनेक्शन के लिए, अगर ये कनेक्शन हो जाता है सक्सेसफुली हो जाता है तो हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ अगर ये कनेक्शन हमारा हो जाता है, यानी कि कौन कौन इज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि नल नहीं है, यानी कि कनेक्शन हो जाता है तो क्या होगा, प्रिंट होगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। ठीक है, और अगर नहीं होता है एल्स इसमें नहीं, ठीक है, और ये कनेक्ट अगर नहीं हो पाता है तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा और इसमें प्रिंट होएगा हमारा। सबसे पहले तो जो एक्सेप्शन है वो प्रिंट करवाना है हमें। ये ई प्रिंट करवा दिया हमने, एक्सेप्शन जो भी आएगा वो ई में डाला हमने और ई को प्रिंट करवा दिया और प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर, प्रिंट करवा देंगे नॉट कनेक्टेड जिससे हमें पता लग जाए। ठीक है, ये काम हो गया हमारा, अब इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसने दे दिया नॉट कनेक्टेड, यानी कि अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, कुछ एरर है। तो एरर क्या है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉम डॉट माई एस क्यूएल JDBC ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर मैंने, ड्राइवर अभी मिसिंग है यहाँ से, तो उसके लिए हम, तो यही वाली फाइल है मैंने कनेक्शन C.java, इसमें लाइब्रेरीज में जाएंगे हम, ये वाला प्रोजेक्ट ही है ना हमारा कनेक्शन सी, इसकी लाइब्रेरीज में जाएंगे हम, एड जार और फोल्डर में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसमें हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर हमने वो ड्राइवर को डाउनलोड करा था। तो मेरे डाउनलोड्स में था, ये रहा कनेक्टर जावा, इसको ओपन करेंगे, ये वाला इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो जब इसे एक्सपेंड करोगे तुम तो देखो ये आ गया माई एस क्यूएल कनेक्टर जावा 8.0.27 जार फाइल। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, तो ये देखो ये आ गया सक्सेसफुली कनेक्टेड, यानी कि अब हम इसमें वर्क कर सकते हैं, ये कनेक्ट हो गया है उससे, डाटाबेस से, हमारे MySQL डाटाबेस से कनेक्ट हो गया है।